अमृतसर के मध्य में स्थित स्वर्ण मंदिर देश में सबसे प्रशंसित गुरुद्वारा है। स्वर्ण मंदिर अर्थात श्री हरमंदिर साहिब महिमा, सद्भाव और समानता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। श्री हरमंदिर साहिब ने पंजाब के समृद्ध इतिहास में एक अभिन्न भूमिका निभाई है। इस धार्मिक विरासत को सिखों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बनाता है। अभिलेख बताते हैं कि भगवान बुद्ध स्वर्ण मंदिर के पवित्र स्थल पर काफी समय तक रहे थे। उस जमाने में यह जगह घने जंगलों से घिरी एक झील हुआ करती थी। बुद्ध ने इस स्थल को साधुओं और संतों के लिए एक आदर्श ध्यान स्थल घोषित किया। स्वर्ण मंदिर के निर्माण से बहुत पहले सिख गुरु नानक पवित्र स्थल पर मध्यस्थता करते थे। हालांकि श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण पांचवे सिख गुरु अर्जुन द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब की पूरी वास्तुकला को भी डिजाइन किया था। निर्माण वर्ष 1581 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे। स्वर्ण मंदिर का नाम पूरे मंदिर को ढकने वाली सोने की पन्नी की बाहरी परत के नाम पर रखा गया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद इस गुरुद्वारे पर इस्लामिक शासकों द्वारा लगातार हमले किए गए और इसे नष्ट कर दिया गया। वर्ष 1762 में इस धार्मिक विरासत को बारूद से पूरी तरह से उड़ा दिया गया था। तबाही के बाद महाराजा रंजीत सिंह एक बहादुर सिख शासक ने संगमरमर से समृद्ध विरासत का पुनर्निर्माण किया और इसे सोने से सजाया। उन्होंने पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और इसके संचालन और रखरखाव की देखभाल के लिए देसा सिंह को नियुक्त किया। शुभ स्वर्ण मंदिर की आधारशिला प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। यह एक संदेश फैलाने के लिए किया गया था कि यह पवित्र गुरुद्वारा सभी धर्मों के लिए खुला है। मंदिर में चार प्रवेश द्वार हैं जो जाति पंथ और धर्म के बावजूद सभी भक्तों के लिए खुलापन दिखाते हैं। स्वर्ण मंदिर के आसपास की कुंड को अमृत सरोवर के रूप में जाना जाता है, जिसे भक्तों द्वारा पवित्र माना जाता है। प्रार्थना करने से पहले वे सरोवर के पवित्र जल में स्नान करते हैं। सिखों का मानना है कि पवित्र कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। पहले की वदंतियां कहा करती थी कि अमृत सरोवर में पवित्र डुबकी लगाने से रोग और विकार ठीक हो जाते हैं। उत्तम स्वर्ण मंदिर हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है। मंदिर को संगमरमर की मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है जो ताजमहल के समान दिखते हैं। शीर्ष पर गुंबद शुद्ध सोने से बना है और गुरुद्वारा भी जटिल सोने के पैनल से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि छत भी कीमती पत्थरों और सोने से सजी है। आंतरिक गर्भगृह में पुजारी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से जप करना जारी रखते हैं, जो स्वर्ण मंदिर के अनकहे आकर्षण को जोड़ता है। मंदिर की पहली मंजिल अमृत सरोवर में डूबी हुई है और केवल कार सेवा के दौरान ही दिखाई देती है। जैसा कि स्वर्ण मंदिर विशिष्ट रूप से जमीन के नीचे निचले स्तर पर स्थापित है, तीर्थस्थल तक जाने वाली सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं। यह हिंदू मंदिरों के बिल्कुल विपरीत है, जो हमेशा जमीन के ऊपर एक ऊंचे मंच पर बने होते हैं। स्वर्ण मंदिर में यह विशिष्ट विशेषता विनम्र जीवन का प्रतीक है। 1990 के दशक में प्रतिष्ठित स्वर्ण मंदिर को 500 किलोग्राम शुद्ध सोने से पुनर्निर्मित किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया था, जो 22 कैरेट की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध है। सोने की कीमत आज की तारीख में 130 करोड़ से ज्यादा है। काम भारत के विभिन्न नुक्कड़ से कुशल कलाकारों द्वारा किया गया था और 1995 से 1999 तक इसके जीर्णोद्धार को पूरा करने में 4 साल लगे। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण मंदिर की महिमा 25वीं शताब्दी तक पहुंच जाएगी। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में लंगर सेवा दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त रसोई है। यह दैनिक आधार पर 50,000 से अधिक भोजन परोसता है। धार्मिक आयोजनों में यह संख्या बढ़कर 1 लाख या उससे अधिक हो जाती है। भोजन सरल लेकिन स्वादिष्ट है और इसमें रोटियां, दाल, सब्जी और खीर शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहां परोसे जाने वाले सभी भोजन भक्तों के दान हैं। पौराणिक स्वर्ण मंदिर हर महीने लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इस प्रतिष्ठित गुरुद्वारे का संचालन और रखरखाव पूरी तरह से दान के माध्यम से किया जाता है, लेकिन खाना पकाने, साफ सफाई और भोजन परोसने का नियमित कार्य उन स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है, जो मंदिर में मुफ्त में काम करते हैं।